उत्तर प्रदेश की रक्षक पुलिस अब पूरी तरह से भक्षक बन चुकी है। यहां तक मुख्यमंत्री योगी की सख्त हिदायत भी ऐसे बेअंदाज और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर बेअसर साबित हो रही है। पुलिस सुन नहीं रही है और मुख्यमंत्री का निर्देश भी बेअसर है। अब ऐसे में पीड़ित और असहाय मदद के लिए जाए तो जाए कहां। घटना यूपी में जनपद एटा के हाट कोतवाली इलाके की है। यहां एक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जलेसर के समाजपुर के रहने वाले एक युवक साहब सिंह ने महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद भी लगातार धमकी देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। अपने साथ लगातार हो रहे यौन उत्पीड़न के बाद महिला ने आरोपी युवक साहब सिंह के खिलाफ देहात कोतवाली में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आरोपी से समझौता करने का उस पर दबाव बनाने लगी। आरोपी से पीड़िता का समझौता कराने के लिए पुलिस ने पीड़िता के भाई को झूठे मुकदमे में थाने में बंद कर दिया। लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटने के बाद पीड़िता ने अब पुलिस कप्तान की चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का मुकदमा लिखा गया है और उसका कहना है कि जो पीड़क पक्ष है, जो उत्पीड़न करने वाला पक्ष है, उसने उसको भाइयों में फंसाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस को अभी तक जो एविडेंस प्राप्त हुई है, लूट के मामले में इसका भाई संलिप्त रहा है और उसको उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है, इसीलिए इस तरह का इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इनका अभी इस महिला का और जो पहले मुकदमा है पीड़क का, उसमें लूट वाले मामले में इसमें इनका कोई संबंध नहीं पाया जा रहा है। फिर हमें बीच में गहराई से करने के लिए निर्देश दिया गया है। अगर इस तरह का कोई मामला पाया जाएगा तो निश्चित रूप से बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कार्रवाई। जनमन न्यूज़ के लिए एटा से नंद कुमार की रिपोर्ट।